एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। इसमें फर्स्ट जो सिचुएशन दे रखी है वो ये दे रखी है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, फर्स्ट में रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। हमारे पास जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें से हमें थ्री डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो यहाँ पर क्या करना, इस तरह का जो है तीन बॉक्स बनाना, थ्री डिजिट नंबर बनाना है हमें, इस तरह के तीन बॉक्स बनाना। अब देखो यहाँ से हमारे पास चॉइस है 1, 2, 3, 4, 5, तो इन पांचों में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी चॉइस हमारे पास, 5। उसके बाद बोल रहा है वो फर्स्ट में रिपीटेशन अलाउड, तो इसका मतलब यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ भी जो है 5 आ सकता है। ठीक है, यहाँ भी 5 आ सकता है रिपीटेशन अलाउड, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइस है, यहाँ भी 5 चॉइस है। वो बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड, तो यहाँ भी हमारे पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। तो यहाँ पर जो बनेगा 5 × 5 × कितना हो जाएगा, 125 वेज। ठीक है, 125 नंबर्स, नंबर पूछा है यहाँ पे, तो 125 नंबर यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना होगा। इसी में सेकंड पूछा है रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 5 आ गया तो यहाँ पर 5 नहीं आना, जो यहाँ पर और यहाँ पर आ गए वो यहाँ नहीं आना। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए क्या करना, इस तरह के तीन बॉक्स बनाना, थ्री डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो हमारे पास कितनी है यहाँ पर चॉइस, अभी तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चॉइस हैं। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पर चॉइस हैं, इन पांचों में से एक चॉइस तो खत्म हो गई, अब बची कितनी हमारे पास चॉइस यहाँ पर लिखने के लिए, 4। अब यहाँ पर 2 नंबर तो आ गए, इस यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया, हमारे पास कितने थे, 5 नंबर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 2 नंबर कम हो गए, तो इधर आ गए 3। जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 20, 20 × 60, तो 60 नंबर जो है यहाँ पर फॉर्म्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है हाउ मैनी थ्री डिजिट्स इवन नंबर कैन वी फॉर्म द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स को जो है हम रिपीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, हमें जो नंबर जो बनना है वो इवन नंबर बनना है, पहले थ्री डिजिट बनना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 1, ये तो इवन नंबर नहीं है, जो यूनिट प्लेस पर जो है हमें इवन नंबर मिल जाए वो पूरा के पूरा क्या हो जाता है, इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 1, 2, 2 ये इवन नंबर है, 1, 2, 2, 2, 4 ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब जो यूनिट प्लेस है ये वाली, इस यूनिट प्लेस पर इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से इवन नंबर ही आना है, तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर तो गिवन है क्वेश्चन में, तो इनमें से जो ये हैं ये तीन कैसे हैं, इवन नंबर हैं। इन तीनों में से तो कोई सा आएगा पीछे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इवन नंबर हमें बनाने, तो इन तीनों में से आएगा हमारे पास चॉइस है 3। अब देखो यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर चॉइस है 3, देखो यहाँ तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से 6 में से तो कुछ भी आ सकता है, तुम कुछ भी रख लो, रहेगा तो इवन नंबर ही ना, जैसे यहाँ पर रख दिया 3, 4, 2, यहाँ तो इवन नंबर ही रहना चाहिए 3, 4, 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 चॉइस है हमारे पास, 1, 2, 3, इसलिए मैंने 3 लिखा। और यहाँ पर तो 6 के 6 चॉइस है, कोई सा भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर जो है इवन नंबर हमारे पास आ गई 3 चॉइस, तो यहाँ पर 6, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी 6। जब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 × 36, 36 × 108। ठीक है, तो इसका जो आएंगे 108 नंबर्स। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, हाउ मेनी फोर लेटर कोड, हमें जो है फोर लेटर कोड बनाना है, कैन वी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। लेटर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, हमें जो है फोर लेटर कोड बनाना है, तो फोर लेटर इसमें आना है, तो इस तरह के 4 बॉक्स बनाना। ठीक है, उसके बाद हमें 10 फर्स्ट लेटर, इसका मतलब ये हुआ A, B, C, D, E, F, G,
H I J, 10 हो गए, ठीक है। इनमें से यहाँ पर आना है। अब देखो ये बोल रहा है लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कितनी चॉइस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 लिख दिया। अब लेटर जो रिपीट नहीं होना है, इन 10ों में से एक आ गया होगा यहाँ पर, जब एक आ गया तो चॉइस कितनी बची, 9, तो यहाँ 9 लिखना है। अब 2 आ गए तो चॉइस कितनी बची, 8, तो यहाँ 8 लिखना है। अब 3 आ गए तो चॉइस कितनी बची, 7। अब जब हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 9 × 8 × 7, वही हमारे पास आंसर मिलेगा, 5040, ठीक है। 5040 कोड यहाँ पर हमें फॉर्म होंगे, बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस, मतलब एक डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकती। तो हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, क्वेश्चन ये 4 है, तो 5 डिजिट के लिए 5 बॉक्स बना देंगे हम, 5 बॉक्स बना दिए। यहाँ पर बोल रहा है 0 से 9 तक है, तो 0 से 9 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक है, 0 से 9 तक। तो कितनी डिजिट्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिजिट हो गई हमारे पास। अब ये बोल रहा है स्टार्टिंग 67, तो स्टार्टिंग 67 तो ये रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर पुट कर दो। अभी कह रहा है यहाँ पर जो है रिपीट नहीं हो सकती, जब रिपीट नहीं हो सकती तो 2 नंबर तो इसमें से कैंसिल आउट हो गए, 6 और 7, ठीक है, ये तो नहीं आ सकते। अब हमारे पास चॉइस कितनी बच गई, चॉइस बच गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर जो है 8 चॉइस में से एक आएगी, चॉइस हमारे पास 8। अब यहाँ पर जो नंबर आ गया वो यहाँ से भी कम हो गया, रिपीट नहीं होना, यहाँ बची 7, और यहाँ से नंबर जो है 2 नंबर कम हो गए, यहाँ से बचा 6। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 7 × 6, ये हो जाएगा 336, इसमें जो है बनेंगे टेलीफोन नंबर्स। क्वेश्चन 5 है, अ कॉइन टॉस इज 3 times एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने यहाँ पर जो है आउटकम होंगे। अब देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, एक कॉइन है हमारे पास, एक कॉइन को तब मैं 1 times उठा थ्रो करता हूँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम आए 2, ठीक है। अब इसको 2 times कर देता हूँ, ठीक है, 2 times करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर, कैसा आता है ये, या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या हमारे पास हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, कितना हो गया 4। जब मैं 3 times करता हूँ, 3 times का मतलब 2 की पावर 3, ये ध्यान रखना, इस केस के लिए 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, तो कितना आएंगे 8, इसका जो आंसर आएगा 8, इसमें जो आउटकम्स होंगे पॉसिबल आउटकम। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 flags, हमें 5 flags दे रखे हैं अलग अलग कलर के, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स 2 flags, 1 below एंड अदर। ये कह रहा है हमें 5 color के फ्लैग्स दिए गए हैं, सपोज करो हमारे पास ये मैं बना देता हूँ इधर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, नंबरिंग कर दो, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर हमें जो है बनाने हैं, ये तो दिए गए हैं, गिवन हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स बनाने कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर 2 flag, 1 below और अदर इसके अबव होगा ऊपर, ठीक है, ये आ गया एक फ्लैग, ये आ गया, इस तरह के फ्लैग आने, ये दोनों कैसे कलर के हों, डिफरेंट कलर के हों, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट कलर के हों। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर वाले फ्लैग्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये अलग अलग कलर की चॉइस 5। अब यहाँ पर जो कलर आ गया, सपोज करो ये वाला कलर आ गया, तो अब तो अब आना नहीं है, वो बोल रहा है यहाँ पर जो डिफरेंट कलर, ये बोल रहा है डिफरेंट सिग्नल,
ठीक है, डिफरेंट सिग्नल तभी होंगे जब यहाँ पर अलग अलग कलर होंगे। और बची कितनी चॉइस, इसमें कितनी आ जाएंगी, चार, तो यह जाएगा 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देखो ये दो कलर का था, इसलिए जो है यहाँ पर पूरा फ्लैग बनने के लिए कितने सिग्नल बनेंगे, 20 अलग अलग सिग्नल बन जाएंगे।